जो कि जो बिजनेस के नजरिए से जो होना चाहिए, जो बीजेपी को पॉइंट रखने चाहिए, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ये विजन क्या है, वो विजन गायब दिखाई दे रहा है। हाँ, जरूर कोशिश प्रयास हो रहे हैं। मिश्रा जी, यहाँ आपने देखा कि राजनीतिक नजरिए, मैं अपने कुछ विचार इस डेवलपमेंट के लिए बुनियादी विचार सर, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने इसलिए इस विजन के लिए, इस विजन को लेकर ही मैंने आपको बुलाया है सर। प्लीज एक सेकंड मिश्रा जी, आप अपनी बात रखिए। तिलक जी देखिए, मेरे यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हुए हैं, डेफिनेटली वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो एक पॉलिटिकल मायोपिया डेफिनेटली होता है, हर चीज को वो पॉलिटिक्स का चश्मा लगा करके देखते हैं। मैं खुद यूपी के एक गांव से बिलोंग करता हूँ और मैंने हर स्टेट में रह के बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, मैं इस फर्क को जानता हूँ। आपका एक क्वेश्चन बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, बड़ा जेन्यून क्वेश्चन था कि इन्वेस्टर यूपी में क्यों आए, यानी यूपी में इन्वेस्टमेंट क्यों होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मोदी जी का या सारे गवर्नमेंट का पास्ट में जो इफर्ट रहा है कि इंडिया को अगर विश्वगुरु बनाना है, इंडिया की ग्रोथ करनी है, तो यूपी एक ऐसा गलियारा है सर, चाहे संसद में आपकी सरकार बनानी हो, वो जो आपका हाईवे जाएगा वो यूपी से होके जाएगा। इंडिया की ग्रोथ अगर आपको करनी हो, तो वो जब तक आप यूपी की ग्रोथ नहीं करेंगे तब तक इंडिया का ग्रोथ अधूरा रहेगा सर। 1/5 पॉपुलेशन है, आप देखिए एग्रीकल्चर में लगभग 16% का प्रोडक्शन यूपी करता है, टॉप थर्ड या टॉप सेकंड कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो यूपी का ग्रो करना पूरे इंडिया को ग्रो करवाने के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी या किसी भी गवर्नमेंट के जो सपने हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो करवाना बहुत जरूरी है। और ये इन्वेस्टमेंट यूपी में जब होगा, यूपी आगे बढ़ेगा, तभी पूरा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो आप लोगों के लिए भी द्वार खुले हैं, एक दूसरे से आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं, लेकिन संयम के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मुद्दे की बात में जल्द हाजिर हो रहे हैं। एके मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस एक्सपर्ट है, कई महत्वपूर्ण बात इन्होंने भी रखी है। इससे हमारी सरकार को क्रेडिट मिलेगा ना, ये नहीं दिखाएंगे, ये पॉलिटिक्स करते हैं। सर एक मिनट में, ठीक ठीक ठीक, एके मिश्रा साहब जवाब दिया जब किसी काम की कोई सराहना तो बल की जनता क्या लैपटॉप दिया इन्होंने गांधी के बता देने वाले बात का। गांधी साहब भूल रहे हैं ना, वो एटा एटा और सफाई, एटा और सफाई तक ही सीमित थे। लैपटॉप में से आप लोगों ने कमीशन खाया, लैपटॉप में कमीशन खाया, हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड गांधी जी, एक सेकेंड सर, आपने बजट का जिक्र तो कर दिया था सर, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड गोस्वामी साहब सर, एक बार विजन क्लियर करिए ना, फोन करके पूछिए अपने बीजेपी नेताओं से विजन क्या आप लोगों का। एक सेकेंड गांधी जी, एक सेकेंड मिश्रा जी, एक सेकंड सर, ये बताइए कि आखिरकार, चलिए ये तो राजनीतिक नजरिए से चीजें हैं, हमने देखा कि जो विकास है वो बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाकों तक नहीं पहुंच पाया, भले ही अपनी पीठ थपथपा ले और अखिलेश सरकार कहे कि देखिए हमने एक्सप्रेसवे बना दिया, लेकिन अभी भी कई ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां विकास बेमानी लगता है। तो फिर क्या ये योगी सरकार के जो विजन है उसमें क्या ऐसे इलाके भी दिखाई देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक मिश्रा साहब, सर देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि लगभग 20% की पॉपुलेशन आप देखें तो यूपी का है। यूपी जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, देश को आगे बढ़ाने का किसी भी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी प्रधानमंत्री का सपना पूरा नहीं होगा, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे किसी भी तरीके से इकोनॉमी को ग्रो कराना हो। रही बात सबसे बड़ा, देखिए मेरे जितने भी यहाँ पे राजनीतिक मित्र बैठे हैं, ये थोड़ा सा मुझे बड़ा ऑड भी लग रहा है कि ये इकोनॉमिक मैटर है, आप इसमें मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, केवल इवेंट। और ये एक बहुत अच्छा कदम है। मैं आपको बताता हूं सर कि यूपी में क्यों इन्वेस्टर आने चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर अगर आता है तो उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये होता है कि एक ही जगह पे मुझे वो सारी फैसिलिटी मिले। मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं करूं, मेरा मटेरियल जो है फिनिश गुड अगर वो मेरे फैक्ट्री से निकलता है, तो सबसे बड़ा मार्केट भी मेरे घर के या मेरी फैक्ट्री के बगल में हो। यूपी में अगर 20 करोड़ की पॉपुलेशन है तो इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट भी यूपी अपने आप में प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको करना है तो वो फैसिलिटी है, उसके साथ साथ अगर टैलेंट चाहिए, अगर यूपी की गवर्नमेंट, योगी जी या बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटी देती है तो यूपी के यही लड़के कर्नाटक में जाके, बेंगलोर में जाकर के, बॉम्बे में जाके, चेन्नई में जाके, इवन अमेरिका में जाकर के कमाल कर रहे हैं।
55 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और 7 से ज्यादा 5 या 7 यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो कोई आदमी क्यों 2,000-4,000 किलोमीटर जाएगा? तो इन्वेस्टर को इसलिए आना चाहिए, और ये एक पॉलिटिकल मजबूरी है अब बीजेपी की। मैं खुल्ला खुल्ला बोलूंगा, 2018-19 में इलेक्शन है, अगर उनको ग्रोथ दिखाना है तो यूपी ही अभी एक अनटैप्ड मार्केट है, हर तरीके से अनटैप्ड मार्केट है सर, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। जी ये पॉइंट, ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर मिश्रा जी ने बोला है। डॉक्टर साहब, ये महत्वपूर्ण पॉइंट इसलिए यहाँ पर आता है कि जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो एक नजरिया राजनीतिक होता है, और ऐसी स्थिति में जहां पर डबल इंजन का जिक्र किया जा रहा है, मैं इस सेक्टर पर भी आना चाहूंगा, क्योंकि गांधी साहब हिचकिचा रहे थे इस बात को बोलने की कि भाई सत्ता हमारी राज्य में थी और केंद्र में यूपी की सरकार, यूपीए की सरकार थी, और दूसरी तरफ जो है फिर उसके बाद एनडीए की सरकार थी, दिक्कत वहां आ रही थी। लेकिन अब तो ऐसे डबल इंजन की सरकार होती है, क्या इससे कुछ असर पड़ता है? देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस प्रदेश में जो भी विकास हुआ है जी, वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं हुआ है, और जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया है वो व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से हुआ है, कोई एक जर्नलाइज्ड फॉर्मेट किसी ने कभी नहीं तैयार किया। और जब तक जर्नलाइज्ड फॉर्मेट नहीं तैयार होगा जिसमें एक सामान्य उद्यमी भी आए और वो काम कर सके, और वो क्या है जनरल फॉर्मेट ये है कि आपको खुद सरकार को आगे बढ़कर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके के उद्योग लगाने की पूरी व्यवस्था उत्पन्न करनी होगी। ठीक, जैसा मैंने अभी कहा कि कानपुर में है, वर्षों से कई सौ वर्षों से वहां पर टेक्सटाइल और लेदर का काम होता था, अभी टेक्सटाइल और लेदर के काम को आज की तारीख में मरणासन्न अवस्था में है जी। बस किसी तरीके से चल रहा है। फिरोजाबाद में कांच का उद्योग है, मुरादाबाद में पीतल का उद्योग है, लखनऊ के आसपास चिकन का उद्योग है, बनारस में बनारसी साड़ी का उद्योग है। इसी तरीके से प्रदेश के हर कोने कोने में अलग अलग तरीके के हमारे इंडस्ट्रीज डेवलप थी जो छोटे छोटे लेवल पे थी। हुआ क्या कि पिछले 50-70-60-80 साल में जब से हम लोग काम कर रहे हैं तब से किसी भी तरीके का संगठित प्रयास नहीं हुआ, और आज की तारीख में यदि हम उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो हमको उसको इंटरनेशनल मार्केट से कंपीट करना पड़ेगा। ठीक, आप ठीक, सर मैं एक मिनट के लिए समय दे तो मैं आपको पूरा सर, सर मैं एक 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 चीज एक एक सवाल मेरे जहन में एक सेकंड सर डॉक्टर साहब, मैं इस बात को समझना चाहूंगा, जो वाइब्रेट गुजरात का जिक्र किया जाता है बार बार और उसी तर्ज पर यूपी, क्या परिस्थितियां अलग नहीं है? और क्या वाकई में जो माहौल वहां पर, क्योंकि कहा जाता है कि गुजरातियों के डीएनए में है व्यापार, और दूसरी तरफ यूपी का नजरिया कुछ और दिखाई देता है, तो ये माहौल कैसे उस तरह से बनाया जाएगा? आपने दो तरीके की बातें, दो सवाल अलग अलग पूछे जी। मैं वाइब्रेंट गुजरात और दूसरे बातों पर जिक्र नहीं करूंगा, मैं बात सिर्फ सामान्य बात करूंगा कि हमारे यहां पर वर्षों के अंतराल में जो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो माहौल पैदा होना चाहिए था जी, उस माहौल के लिए हमने कुछ नहीं किया और न फैसिलिटीज क्रिएट करी। पहली बार ये कुछ वर्षों से जो हम सड़कों का जाल देख रहे हैं ये आवश्यक है, लेकिन इंडस्ट्रीज हम क्यों डेवलप करें? हम मॉडल देखिए, पूरे एस्टेब्लिश मॉडल है, हिंदुस्तान के अंदर भी है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, लेकिन ये फैसिलिटेशन काम गवर्नमेंट को करना होगा कि आप वहां पर, आपने डिक्लेयर किया कि सपोज कानपुर के लिए हम डिक्लेयर करते हैं कि वहां पर हम टेक्सटाइल और लेदर का मार्केट डेवलप करेंगे, अब हम वहां के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, क्यों ये उद्योग धंधे डूब गए? डूबने का कारण यह है कि हमने उनका मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाए, नए लोग बाहर के आए नहीं, उनको कोई फेवर नहीं मिला, जब तक वो सस्टेन कर पाए वैसे कर। तो आज हमको इंडस्ट्री लगानी है तो मॉडर्न इंडस्ट्री लगानी है, सर, मैं समझ गया आपकी बात। हमारे पास किसी भी तरीके का कोई फैसिलिटेशन नहीं है। ठीक है पॉइंट टेकन। लेकिन यहाँ पर पवन जी, क्या वाकई में एक ये बहुत बड़े नजरिए से अगर चीजों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं हम, तो यही हुआ ना कि 15-20 सालों में औद्योगिक विकास ने, यहां पर जो बात की जा रही है औद्योगिक विकास, लेकिन ये निजी विकास तक सीमित रह गया। सर आप मानते हैं इस बात को? देखिए अगर देखा जाए तो 91 के बाद में यूपी में कोई ज्यादा बड़े उद्योग धंधे नहीं लगे सिवाय नोएडा या ग्रेटर नोएडा को छोड़ दें। तो नोएडा ग्रेटर नोएडा के भी व्यापारियों की समस्या यह है कि उनको रॉ मटेरियल की उपलब्धता नहीं है। पहले तो जो
बेसिक जो उद्योग धंधे अभी भी चल रहे हैं, जो लोग हैंडीक्राफ्ट में हैं या टेक्सटाइल में हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं उनके ऊपर सरकार को सोच के उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। आज अगर आप देखेंगे तो जीएसटी में हैंडीक्राफ्ट में 12-18% तक का उसमें जीएसटी लग गया, टेक्सटाइल में लग गया। अब जो व्यापारी, जो व्यापार पहले होता था वो व्यापार धंधे बंद है, तो पहले तो सरकार को इन्वेस्टर समिट के साथ साथ में उन उद्योग धंधों के बारे में भी सोचना चाहिए जो एग्जिस्टिंग है। नहीं पवन जी, आपकी बात सही है, लेकिन मसला यहाँ पर यह था ना कि विकास योजनाओं का जिक्र तो किया जाता है, लेकिन विकास योजना का मतलब ये होता था या तो उद्योग लगाने वाले का लाभ हो या फिर उसकी अनुमति देने वाले का लाभ हो। देखिए हाँ, कहीं ये भी होता था ना सर, दिक्कतें तो आई है इसमें, कहीं अतिशयोक्ति नहीं ना, मतलब नहीं सर, यूपीए सरकार में तो खूब होता था सर ये, किसमें यही एक परिभाषा भी होती थी। अगर ऐसा होता तो फिर रायबरेली एक रोल मॉडल होता और अमेठी भी रोल मॉडल होता। मुझे बताइए, ये गुजरात मॉडल की जगह आप लोग रायबरेली मॉडल का जिक्र करते हैं। हाँ, बात वहाँ काफी उद्योग धंधे लगे हैं और उनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अगर आज भी देखें तो फूड पार्क को बंद कर दिया गया है। सर अमेठी में अब से आप लोगों के राहुल गांधी नहीं है क्या? वो पहली बार सांसद बने हैं सर? एक सेकंड, पॉइंट क्या होना चाहिए ये बताइए पवन जी। किस बारे में दोबारा पूछे सर? क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए योगी सरकार को? नहीं नहीं, योगी सरकार को देखो पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए इसको। एक मैं मिश्रा जी की भी बात से सहमत हूँ कि इसको एक इवेंट मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाके और अपने वोट बैंक की तरफ नहीं जाके प्रॉपर एक ईमानदारी से जो एग्जिस्टिंग उद्योग धंधे उनके बारे में सोचना चाहिए और जो आ रहे हैं उनका भी एक विश्लेषण करना चाहिए कि हाँ ये लोग आ रहे हैं, हम इतना खर्चा कर रहे हैं, उनसे कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी जो सपा सरकार नहीं कर पाई इनको करना चाहिए आप ये कह रहे हैं? देखिए सर, सपा सरकार ने भी अपने हिसाब से प्रयास पूरे किए हैं और वो अभी गांधी साहब ने भी बोला कि ये सतत प्रयास है। ठीक है, तो उन्होंने रोड मैप रखा है, उसको आगे बढ़ाएं। गोस्वामी साहब अब मुझे ये समझा दीजिए कि यूपी की नई औद्योगिक नीति देश में सबसे ज्यादा अच्छी औद्योगिक नीति कैसे साबित होगी? देखिए चावला जी अभी हमारे व्हाट्सएप कर रहे थे कि तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी उसको घोषणा किया कि एक जनपद एक उत्पाद के विषय में हमने बजट में भी इसका बहुत बड़ा प्रावधान किया है कि जिस जनपद का जो उद्योग था वो बिल्कुल गायब हो गया था। क्यों गायब हुआ इस पर बड़ी चर्चा भी डॉक्टर साहब ने किया है, तो उस पर हम लोगों ने अपने बजट में भी प्रावधान किया है और उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार हमारा पूरा प्रयास कर रही है। और ये जो इन्वेस्टर मीट हो रहा है ये बहुत बड़ा मीट हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, उसका सर वो बात सही है, मैं समझ गया आपकी बात। तीस अगर अगर केंद्र सरकार बोलेगी कि यूपी में इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो फिर इन्वेस्टर भागेगा तो नहीं ना? हमारे जितने भी सेंटर के आप सीधा बोलिए ना, हमारा भी इधर यही है। गोस्वामी साहब सीधा बोलिए ना, गिरिराज सिंह जी सर, आप शक्ति प्रदर्शन करिए, यूपी में कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग बात। आप विजन तो बताइए, मैंने आपसे पूछा नई औद्योगिक नीति में पूरे देश में सबसे अच्छी औद्योगिक नीति आपकी क्यों है? अरे चावला जी आप एक पॉइंट बताइए ना, उत्तर प्रदेश का विकास हमारा असली विजन, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश में। सर आप नहीं बता पा रहे, औद्योगिक नीति जो आपकी है वो देश में सबसे अच्छी क्यों है? क्यों इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, आप मुझे ये सब समझाइए। हमने बताया तो हमको सड़क की व्यवस्था देने जा रहे हैं, बिजली देने जा रहे हैं, पानी देने जा रहे हैं, कानून व्यवस्था सुलभ करने जा रहे हैं, जमीन सस्ती देंगे इनको, इसलिए ये उद्योग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि उत्तर प्रदेश में हम अच्छी कानून व्यवस्था दे रहे हैं। सर गौतम बुद्ध नगर के बाहर क्या स्थिति है आपको मालूम है? और सिर्फ ये यूपी वहीं तक सीमित नहीं है। और सड़क की कनेक्टिविटी का जिक्र करते हैं आप, को इस तरह कीजिए कि एक दो घटनाएं हो गई तो एक दो घटनाओं को देख करके तो ये कितना बड़ा हमारा इवेंट है, ये हमारा पूरा समुदायगी का इवेंट नहीं है। हम उत्तर प्रदेश को सर मैंने तभी आपसे पूछा ना, आप विजन बता दीजिए मुझे समझ में आ जाएगा। आप मुझे विजन नहीं बता रहे ना सर, आपका बहुत बड़ा प्रयास है। गोस्वामी साहब मैं तभी तो आपसे विजन पूछ रहा था सर, या तो आप खुलकर बोलिए कि केंद्र सरकार कहेगी कि यूपी में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर को तो इन्वेस्ट करेंगे यूपी में, उद्योग धंधे स्थापित करना, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाना। ठीक यही है, आप ये बताइए कितने रोजगार मिलेंगे इससे, कुछ तो टारगेट रखा होगा ना सर? जी जी, 1,00,000 करोड़ से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। कितने का सर? उसी तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए। नहीं नहीं सर, मैं डिवाइड नहीं कर रहा ना, आप मुझे बताइए ना, बताने आप आए सर। सर मेरा गणित बहुत कमजोर है, मेरा गणित बहुत कमजोर है, आप मुझे समझा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। चावला जी हम आपको समझा देंगे, ये मीट आप मुझे बताइए कितने कितने युवाओं को रोजगार देंगे, क्या टारगेट है, आपको हम रोजगार देंगे, ये सारा कुछ हम आपको बता देंगे। सर आप बता दीजिए ना सर,
कितने लोगों को रोजगार देंगे? अभी तो मीट होने जा रहा है, कितने लोग ने प्रस्ताव भेजा है, लोगों को रोजगार देने का टारगेट है। और बाकी सर, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार क्या हुआ है? 4 लाख लोगों को नौकरी देने जा रही है, 1 लाख बाकी तो सारे हमारे विज्ञापन आई गए हैं सर। विज्ञापन में मैंने आपसे पूछ लिया, विज्ञापन में आपने बताया नहीं, विज्ञापन में भी विजन क्लियर नहीं किया आपने कि इन्वेस्टर क्यों आए। देखिए जो इन्होंने टारगेट रखा है वो 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट रखा और 20 लाख लोगों का जो है जॉब देने का, रोजगार देने का। सुन लीजिए गोस्वामी साहब, विपक्ष को याद है 1,72,000 शिक्षा कर्मियों को जो है, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको तो रोजगार दे रही। अरे उनको तो बर्बाद आपने कर दिया। अरे हमारे समाजवादी पार्टी के साथ में बोलना नहीं चाहता था, शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ सर राजनीति नहीं, अभी काम समाजवादी पार्टी के नेता खड़े। एक सेकंड गोस्वामी साहब, तभी आपको लेकर आए ना सही करने के, उनको अपना वोट लेने सही करने के लिए आपको लेकर आए ना। कब तक राइट ऑफ एजुकेशन को कब तक पुरानी सरकारों का जिक्र कर अपनी नाकामयाबी को छुपाएंगे? एक सेकंड गोस्वामी साहब, आवाज नीचे करिए, एक सेकंड गोस्वामी साहब। सर ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज अपनी बात पूरी करिए गांधी साहब। देखिए पिछले कुछ सालों में 7,000 उद्योगपति इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के बाहर विदेशों की सिटीजनशिप ले ली है, क्योंकि जिस तरह का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर चल रहा है नीरव मोदी जैसा, तो ऐसा ईज ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। आप देखिए कि किस तरह से आज यूपी के अंदर अगर हमें इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है, बढ़ाना है, तो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सही होनी चाहिए। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को हम छोड़कर गए थे, आज चरमरा गई है पूरी तरह से। अभी जो कल बजट आया सर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लॉ एंड जस्टिस। सर आप इन्वेस्टर के सामने बोलेंगे कि एनकाउंटर तो वो तो डरेगा ना सर, और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात सपा सरकार कर रही है। एनकाउंटर पॉलिसी नहीं हो सकती, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बेहतर लॉ एंड ऑर्डर देकर गए थे। आज हजार अपराधियों को आपने पैरवल पर छोड़ दिया था, प्रमोशन के नाम 5,000 अपराधियों आपके जमाने में मारा गया, क्यों मारा गया, पुलिस के लोग मारे गए। आप किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं? होता था इन्वेस्टर अगर सुनेंगे तो वैसे चले जाएंगे। होता था आपकी कैसी कानून व्यवस्था थी? बहुत अच्छा होना चाहिए इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन आज किस इनके मंत्री जेल में है, सरकार ने खनन मंत्री इनका जेल में है, इनके विधायक सब जेल में है। ठीक है एक रिपोर्ट दिखा रहे हो, फाइनल कमेंट नहीं है। ठीक है सर गोस्वामी साहब, आराम से एक रिपोर्ट दिखा रहे हो, फिर उसके बाद फाइनल कमेंट आप सभी से लेंगे। यहां पर दरअसल मसला क्या है इस नीति का, इस सोच का, आइए सर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद फाइनल कमेंट। किसी भी राज्य को तरक्की की राह में आगे बढ़ना है तो फिर विकास में निवेश ही एक जादू की छड़ी है जो धुंधली तस्वीर को बदलने का मादा रखती है, क्योंकि इससे जहां औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है तो वहीं युवा हाथों को रोजगार के मौके भी मिलते हैं। यानी कहने को निवेश एक शब्द मात्र नहीं है, जमीन के साथ साथ बिजली, पानी, सड़क बुनियादी जरूरत है। इनके होते हुए भी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ना हो पाई तो फिर शुरुआत में ही ब्रेक लग सकता है। पिछली मायावती और अखिलेश सरकारों का प्रयास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछली सरकारों ने भी निवेश के लिए बड़े सम्मेलन किए, लेकिन सुविधा और व्यवस्था की खामियों के चलते सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। वैसे तो योगी की सरकार दावा कर रही है कि निवेश का माहौल तैयार करने के लिए इस तरह का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। 5 साल में यहां 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, इससे 20 लाख रोजगार पैदा होंगे, खास तौर पर बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे पिछड़े इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी योगी सरकार को इससे बेहद उम्मीद है। इस निवेशक सम्मेलन में नीदरलैंड, मॉरिशस और फिनलैंड के उद्योगपति भी इसका हिस्सा होंगे। लगभग 5,000 निवेशकों को बकायदा इसके लिए न्योता दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के 20 मंत्री भी इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। तो यहाँ रेड कार्पेट का जिक्र, फाइनल कमेंट आप सभी से। मिश्रा जी
नए उद्योग लगाने के लिए माहौल चाहिए, ये कहानी सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। जीएसटी लागू हो जाने के बाद भी नए औद्योगिक घराने जो हैं वो राज्य में निवेश करेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी है या नहीं? नहीं देखिए, एक चीज है, माहौल जो है धीरे धीरे बनता है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि यूपी टोटली अभी एक तरीके से अनटैप्ड पूरा ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए जो माहौल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, बिजनेस सेंटीमेंट चाहिए, वो गवर्नमेंट ने अगर अच्छे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी और सारा का सारा सपोर्ट दे दिया, तो नेक्स्ट ग्रोथ इंजन इंडिया का जो बनने वाला है सर, वो यूपी बनने वाला है। ठीक, तो मैं इस चीज को लेकर बहुत उत्साहित हूँ ऐसे प्रयासों को लेकर के। ठीक है पवन शर्मा जी, चलिए राजनीतिक नजरिए से ही मैं चीजों को समझूं और जो आप समझाना चाह रहे थे, आपको नहीं लगता कि अगर केंद्र सरकार कहे कि भैया यूपी में इन्वेस्ट करना है इन्वेस्टरों को, तो इन्वेस्टर भागेगा कहाँ? देखिए, इन्वेस्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको कच्चा माल की उपलब्धता चाहिए, उसको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, और उसके साथ में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए जो ऑफिसरों का होना चाहिए। अगर आज देखा जाए तो जो भ्रष्टाचार की सीमाएं जो है वो बढ़ चुकी हैं, और सिंगल विंडो की बात तो जरूर करते हैं, अच्छा लगता है भाषणों में सारा कुछ, लेकिन आप हकीकत में ये चीजें नहीं हो रही है। हकीकत में अगर पॉजिटिव के साथ में अगर आते हैं तो स्वागत है। डॉक्टर सचान साहब, सर सर फाइनल कमेंट आपका, क्या टैक्स प्रणाली को देखकर हम देखें तो दूसरे राज्यों में जो है उद्योगपति चले जाते थे, इस पर आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ अंतर होगा? जी देखिए, ऐसा है कि ये बात हम सब मानते हैं कि ये प्रदेश पिछड़ा हुआ है। अगर किसी परिवार में एक बच्चा कमजोर होता है तो उसको संरक्षण मिलना चाहिए, और संरक्षण किस तरह मिल सकता है? एक तो पहली बात हो गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड का प्रोविजन, ठीक, कॉरिडोर का बनाना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ लग रही है उनकी इंडस्ट्रीज के स्केल के अनुसार उनको टैक्स हॉलिडे डेफिनेटली दिए जाने चाहिए। ठीक है, अगर वो टैक्स हॉलिडे देंगे तो वो दूसरी जगह से यहाँ लाएंगे। ठीक है गोस्वामी साहब, आपको गोस्वामी साहब एक पॉइंट चलते चलते मुझे समझा दीजिए, बस 10 सेकंड में, इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करे, पहला सवाल, फिर आखिरी सवाल भी यही, जल्दी से बता दीजिए। आवाज नहीं पहुंच रही होगी उम्मीद करता हूँ। नहीं नहीं, गोस्वामी साहब से, मुझसे गोस्वामी साहब आवाज पहुंच रही है? हाँ सर बता दीजिए क्यों इन्वेस्ट करें, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बता दीजिए क्यों इन्वेस्ट करें इन्वेस्टर। अरे इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश की विकास के लिए सर, लोग के लिए निवेशक आ रहे हैं सर, हम उनको बिजली, डॉक्टर साहब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट करें यूपी में, मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, हमको मुझे ध्यान दे रहे हैं, आप मुझे सीधा बताइए क्यों इन्वेस्ट करें हम? उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हम अच्छी कानून व्यवस्थाओं को प्रदान करेंगे, अच्छी सड़क, अच्छी बिजली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोस्वामी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल हाफिज गानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अमोद सचान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पवन शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एके मिश्रा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।